जनधन योजना को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा कि इस पहल ने भारत के विकास की दिशा को बदल दिया। मोदी ने कहा इस योजना ने आर्थिक समावेश के साथ अनगिनत भारतीयों को सम्मान का जीवन दिया और उनका सशक्तिकरण किया। 4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को भटक के पिपरी में स्थित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति सुबह सेना के वायुयान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भटक के पिपरी पहुंचे। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई नेताओं की घर वापसी हो सकती है। इस प्रक्रिया में नेताओं को ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सूत्रों की माने तो उन नामों की सूची बनाई जा रही जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी रुजरा बनर्जी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीएचडी स्कॉलर तमाल दत्ता की शिकायत के आधार पर हरे स्ट्रीट पुलिस थाने ने जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। एक दिन पहले सिद्धू ने पार्टी के आलाकमान को फैसले लेने की छूट न देने पर ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी थी। इस पूरे विवाद को लेकर शनिवार पश्चिम पंजाब प्रभारी हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक बयान वाले वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इस वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के जरिए मनीष तिवारी ने सिद्धू पर तंज कसा। मैसूर दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आज 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हमारी पुलिस टीम ने दक्षता का प्रदर्शन किया, मैं अपनी पुलिस को धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने बताया कि गिरफ्तार हुए 5 आरोपी तमिलनाडु से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यह चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने शुक्रवार को रात 10 बजे तक कोविड 19 के खिलाफ 1 करोड़ से अधिक टीके की खुराक देशवासियों को लगाई। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने देश को बधाई दी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के एक विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गर्मा गई। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा। समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक माइल्ड वॉमिटिंग के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश भर में सामूहिक भूमि पूजन और गृह प्रवेश किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में इसका शुभारंभ किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये मकान 4 महीने में बनकर तैयार हुए हैं। भोपाल के गांधी भवन में जन संसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने कहा, देश की सबसे बड़ी सभा पंचायत संसद है, हमें जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना चाहिए।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक शिवचरण पाठक को श्रद्धांजलि दी। विधायक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंत्री ने कहा, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश भर में भूमि पूजन और गृह प्रवेश का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में किया, जहां मुख्यमंत्री द्वारा पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया। वहीं शिवराज सिंह के नेतृत्व में हितग्राहियों ने अपने घरों में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश के गोटेगांव में बागासपुर से लौट रहे मोटरसाइकिल सवार दंपति को जंपर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद दंपति को हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कृषक कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कृषि एवं रामवर्गीय विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कृषि विभाग के खरीफ क्षेत्राधन वर्षा की जानकारी और जिले में फसलों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक अभियांत्रिकी महाविद्यालय चातरखार के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। सरई क्षेत्र के दियागड़ई जंगल में नाबालिग के साथ एक युवक ने दुराचार किया। मौका मिलते ही आरोपी से बचकर पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और बताया आरोपी अखिलेश जायसवाल उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर जंगल ले गया, उसके साथ दुराचार किया। फिलहाल पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर शहडोल पुलिस ने लगाम लगाते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल और जेवरात बरामद किए। पुलिस ने बताया शक के आधार पर राजाराम कोल को पकड़ा है, जिसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। उज्जैन के अमरपुर गांव में सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। महिला को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया और पीएम के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अमरपाटन न्यायालय ने महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजौरा की रहने वाली महिला ने गांव के दबंग व्यक्ति से गेहूं उधार में लिया था, लेकिन रकम न चुका पाने पर दबंग महिला को परेशान करने लगा। विदिशा के गंजबासौदा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस यंग ब्रिगेड से बदल के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री सिसोदिया के नगर आगमन से पहले विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। खबर छतरपुर जिले के नौगांव में प्रशासन के नियमों की अवहेलना करते हुए बीच शहर में 5G टावर लगाया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन टावर स्थापित कर रहे ठेकेदार और प्लांट से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और मौके से टावर निर्माण में उपयोग होने वाले सामान को भी जब्त किया। पन्ना की रायपुरा थाना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के पास से चोरी का सोना चांदी जब्त किया। संदिग्ध व्यक्ति सोने चांदी के जेवरात बेचने की प्राक में था। जब्त किए गए जेवरात की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये जेवरात उसके बेटे मुंबई से चोरी कर लाए थे। ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने का काम अब गति पकड़ेगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने श्योपुर ग्वालियर नैरोगेज सेक्शन को बंद करने की सहमति देते हुए इसकी पटरियों को उखाड़ने की तैयारी कर ली। इस प्रोजेक्ट पर कुल 3,712 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने महिला के गले से मंगलसूत्र, मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला के साथ करीब 90,000 रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात देहरदा पुल के ऊपर हुई है।
जशपुर के वीरपुर बस स्टैंड पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। दरअसल कार सवार शराब के नशे में जिन्होंने बछड़े और खंभे में टक्कर मार दी, जिसमें बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मौका पाकर कार सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटेरा के कुमारी चौराहे पर आरटीओ स्थित सोनी द्वारा वाहन चेकिंग की गई, जिसमें ओवरलोड और अतिरिक्त किराया लेने वाले बस संचालक को परिचालन की कार्रवाई की। आरटीओ स्थित सोनी ने बताया कि बस संचालकों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई। डबरा में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में सामने शव रखकर थाने का घेराव किया। घर वालों का आरोप है दुकानदार चौकीदार की जगह मृतक से पल्लेदारी कराता था। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश का आयोजन किया, इसी को लेकर जैतवारा में भी पीएम आवास योजना के तहत शहरी हितग्राही संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर परिषद के कार्यकर्ताओं सहित रहवासियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान शिवराज सिंह द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों को संबोधित भी किया गया। शासन की कोशिश के बाद भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गुना जिले से सामने आया है, जहां मानक चावल को पीडीएस दुकानों में खपाने की कोशिश की गई। बता दें अक्टूबर 2020 में एफसीआई ने 1350 क्विंटल चावल को अमानक घोषित कर यश वेयरहाउस में सरकार के सुपुर्दगी में रखवा दिया था। उज्जैन जिले के महितपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बहुमूल्य योजनाओं में से एक पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में विधायक बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका सीएमओ कैलाश वर्मा समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान उपस्थित हुए, जिन्होंने जबलपुर एसपी और ओम टीटीआई को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हुई नियुक्तियों की जानकारी दी। साथ ही आयोग के बारे में भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर चिंता व्यक्त की। सागर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह की पहल पर गौर झामर के खानखेड़ा गांव निवासी प्रहलाद सिंह की जल्द ही वतन वापसी होने वाली। उन्हें करीब 20 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पत्र में बीएसएफ को भी सूचित कर दिया गया है। खबर नरसिंहपुर जिले के कडरवारा से, जहां राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान विवेक तनखा ने कहा कि सिटी स्कैन मशीन मानवता के लिए है, इसका लाभ गडरवारा और आसपास के क्षेत्र की जनता को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दो दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने वन धन विकास केंद्र का जायजा लिया। इसके बाद मंत्री ने लामडागुड़ा में वनवासी कल्याण आश्रम का भी हालचाल जाना। इस दौरान प्रोसेसिंग कार्य में लगे स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में भी मंत्री ने जानकारी ली। बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के ग्राम चोर भट्टी में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है बच्चे के घर से बाहर खेलने पर तभी उसके ऊपर मकान की कच्ची दीवार गिर गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। जांजगीर चांपा जिले के सेमरा में दो सगी बहनों का शव मिला, आशंका जताई जा रही है गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक दोनों बहनें खेत में काम करने गई हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के पखांजूर को जिला बनाने की मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के साथ पत्रकार और समाज के लोग भी शामिल हुए, जिसमें पखांजूर को जिला बनाने की रणनीति बनाई गई। बता दें कि पखांजूर को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने 5 सालों में कई बार आंदोलन किया था।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख तृप्ति राजपूत को जान से मारने की धमकी देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के पति ने थाने में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमरोहा के मेहंदीपुर में एक युवती के साथ उसके ही भाई और भाभी ने जमकर मारपीट की, जिसे घायल अवस्था में नगर के सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों के मुताबिक बिल जमा करने को लेकर ये विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना के फिर बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अमरोहा जनपद के नौगावा, सादात और धनोरा क्षेत्र में सीएमओ डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कोरोना के दो पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि दोनों मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। अमरोहा में जज्बा फाउंडेशन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निवेदन करते हुए चाइनीज मांझे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही। फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि चाइनीज मांझा बहुत हानिकारक होता है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। साल 2009 से शुरू होकर 2014 में ऑफ एयर हुआ शो पवित्र रिश्ता जल्द ही अपने दूसरे सीजन पवित्र रिश्ता 2 के साथ वापसी कर रहा है, जहां पिछले सीजन में अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी ने अर्चना मानव का किरदार निभाया था। वहीं इस सीजन में शहीद शेख ने दिवंगत एक्टर को रिप्लेस किया है। सलमान खान फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए इन दिनों रूस गए हुए हैं। यहां से उन्होंने अपने भतीजे और सुहेल खान के बेटे निर्वाण खान के साथ एक तस्वीर शेयर की। सलमान फोटो में टी शर्ट और जैकेट के साथ रिप्ड डेनिम और शूज पहने दिखाई दे रहे हैं। सलमान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, चाचा भतीजा। भोजपुरी सिनेमा में अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मोनालिसा ने न सिर्फ भोजपुरी बल्कि टीवी शोज में भी काम किया। वह नजर सीरियल में अपने किरदार को लेकर भी काफी चर्चा में रही। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं। पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका ने अपने अभिनय से बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी काफी नाम कमाया। यही वजह है उनके फोटोज और वीडियोस आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। अभिनेत्री का ऐसा एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक में पैसिव किलो वेट कैटेगरी में कुश्ती में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के मुद्दे पर नीरज चोपड़ा का समर्थन किया। पुनिया ने कहा कि नीरज के पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद को लेकर दिए गए बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। एथलीट स्टेडियम के अंदर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। गुजरात की भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस के वुमन सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई। इसी के साथ उन्होंने टोक्यो में पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला मेडल पक्का कर दिया है। वे टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी।